बीजेपी और एनडीए में जदयू में सब कुछ ठीक है? नीतीश कुमार का पोस्टर वाला जो बात विवाद चल रहा था सर, के पोस्टर नहीं लगाया गया सर, आज लोकार्पण किया गया, क्या कुछ नहीं है इसमें सर? पूरे शाहबाद के लोगों को बधाई है कि जिस प्रकार से शाहबाद के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि एक तोहफा दिया गया, जिसका हम कह सकते हैं कि आज इस तोहफे के माध्यम से शाहबाद के लोगों को बहुत सुगम रास्ता मिलेगा और लंबे समय से जाम से मुक्ति मिलेगी। सर, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम रखा जाएगा? दो नाम की चर्चा चल रही, वीर कुंवर सिंह और दूसरा वशिष्ठ नारायण सिंह पे, क्या नितिन गडकरी जी को तय करने दिया जाए? रिंग रोड के लिए सर स्वीकृति दे दी गई है आज, तो रिंग रोड भी अब आरा और पटना के साथ दिल्ली को जोड़ेगा। हाँ, आरा रिंग रोड का भी प्रस्ताव जो है उसको स्वीकृति की प्रक्रिया में, पटना रिंग रोड तो काम चल ही रहा है, होगा सर। हाँ, नीतीश कुमार का पोस्टर वाला जो बात विवाद चल रहा था सर, के पोस्टर नहीं लगाया गया उनका और आज लगाया गया? तो नहीं, आज कहाँ, जो भी पोस्टर पहले से, जो सरकारी पोस्टर हैं वो पहले से लगे हुए हैं, अब किसी ने अपना पोस्टर लगाया है तो उसमें हम लोग तो नहीं कर सकते ना। तो मतलब ये बीजेपी और एनडीए में जदयू में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार और बीजेपी में स्वस्थ है, बिहार के हित में दोनों मिल के काम कर रहे हैं। सुना आपने किस तरीके से नितिन नवीन जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार के, एक्सक्लूसिव आशा एक भारत पे बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा है इन्होंने, बिहार की राजनीति पे भी हमने सवाल पूछ ही दिया जाते जाते, और सुन ही लिया आपने, क्योंकि जदयू के कई सारे नेता कल फेसबुक पे लगा रहे थे कि इस कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फोटो आउट हो गया, अब बिहार के मुखिया का ही फोटो आउट हो गया है, बिहार का विकास हो रहा है तो ये आखिर कैसे हो रहा है, जबकि जदयू और भाजपा का जो सरकार है वो दोनों का गठबंधन सरकार है। इस पर हमने सवाल किया और क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली ये जरूर आपने देखा, खासकर और बिहार की जो विकास की बातें हो रही थी वो सारी सवाल भी हमने रखे हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने बताया भी, आपको क्या कुछ चाहिए जरूर बताइए कि आपको और क्या विकास होना चाहिए जो आप चाहते हैं कि हो, डेवलपमेंट हो बिहार में, ये भी ज़रूरत है और इसका भी डेवलपमेंट जो होना बहुत अनिवार्य है, ज़रूर बताइएगा। बाकी खबर में इतना ही, हमने तो सवाल पूछ दिया, अब आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति जो है वो पलटिया मारेगी फिर से क्या, क्या लगता है नीतीश कुमार या जदयू और भाजपा में किस तरीके से अब खींचातानी तेज हो गई है और कितना दिन तक के ये सरकार चल सकती है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार, मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। खबर पसंद आए तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा, लाइक और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। उठाया है ये बहुत ही उपयोगी, खास करके भोजपुर की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद धरहरा पुल से चंदवा मोड़ जाने का आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।